देखिए डिस्काउंट चैप्टर का बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब होता है मार्क प्राइस, रुपीज 400 है। एक दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% और 20% की दो क्रमागत छूट देकर इसे बेचता है, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट देकर इसको क्या कर देता है भाई, सेलिंग कर देता है। यदि उसे 10% का लाभ होता, प्रॉफिट होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करे। वस्तु का क्या पूछा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा। तो बनाते हैं, बड़ा इजी, ध्यान से देखिएगा। याद रहे डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है, और मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। मार्क प्राइस कितना है भाई, 400 है। इस पे दो क्रमागत छूट दिया जा रहा है, तो आप डायरेक्ट 100% में से 12% घटा दो, यानी 88% हो जाएगा। गुणे इधर 80% हो जाएगा, और नीचे 4 को 0, 2 को 0 इधर और 2 को 0 इधर, डायरेक्ट 4 को 0 बैठा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। और ये किसके बराबर रहता है भाई, सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है। किसके बराबर रहता है, सेलिंग प्राइस के बराबर रहता है। अभी तुरंत कहाँ है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा। यदि उसे 10% का लाभ होता है, ठीक है, लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही होता है ना। तो मान लेते कि कॉस्ट प्राइस 100x है, ठीक है, तो इसको 110 में बेचेंगे तभी तो 10% का लाभ होगा। कोई वस्तु को 100 रुपये वाला वस्तु को 110 रुपये में बेचेंगे तभी तो 10% का लाभ होगा। देखिए कैसे निकाला जाता है, डायरेक्ट क्या कर देंगे भाई, 110 कर देंगे बटा 100 कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, यानी SP कितना निकलेगा, SP 110 निकलेगा। ये समझाने के लिए किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको मिटा देते हैं, बाद में बस पुट कीजिएगा और आंसर आ जाएगा, कोई लफड़ा नहीं है इस टाइप का बनाने से। इसको हम XC में लेके चलते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, SP 110x हो जाएगा, ठीक है, x है, कोई दिक्कत नहीं, x है। ध्यान से देखिए, ये जीरो कट जाएगा, 1 2 इधर भी 2 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 8 88 कट जाएगा, ठीक है, 8 4 32 गुने 8 कीजिएगा तो कितना निकलेगा भाई, 256 निकलेगा, 256 निकलेगा। नीचे एगो जीरो है और इधर एगो जीरो था, यानी नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आया, 256/100 आया, x का वैल्यू 256/100 आया। आपसे क्या पूछा जा रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य बता भाई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या लेके चले थे, 100x लेके चले थे, तो x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए ना, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहीं पर कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। x का वैल्यू कितना है, 100 है ना, ध्यान से देखिए, x का वैल्यू 256/100 है और कॉस्ट प्राइस में 100x लेके चले थे, तो 100 में ही ना पुट कर देंगे, तो हम डायरेक्ट इसमें कर दे रहे हैं, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है, बड़ा इजी है। तो 0 0 कटेगा, 256, ये करेक्ट आंसर है।